ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। अब आप सभी लोग को पता होगा कि यार लास्ट एपिसोड में जो माइकल की कार थी लैम्बोर्गिनी, उसको यार पुलिस वालों ने जब्त कर लिया था। अब यहां पर फ्रैंकलिन जो है जैसे तैसे करके पुलिस वालों से भी उस कार को चुरा कर ले आया था, लेकिन एट द एंड उसने भाई साहब माइकल के मुंह पे लात मारी और भाई माइकल की लैम्बोर्गिनी चोरी कर निकल गया। तो यहां पर भैया माइकल के मत्थे पे अभी भी गुस्सा सवार है। तो भाई वो लैम्बोर्गिनी यार माइकल को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, तो फ्रैंकलिन ने इसी चीज का फायदा उठा लिया। भाई फ्रैंकलिन ने एक शर्त रखी है माइकल से कि वो उसकी लैम्बोर्गिनी तभी वापस करेगा जब माइकल यूएस के मिलिट्री बेस जाकर उनकी टॉप सीक्रेट कार चुरा कर लाएगा। अब उस कार में ऐसा है क्या वो हमें नहीं पता, बट फ्रैंकलिन से इतना पता चला कि भाई उस कार के अंदर एक ऐसा वेपन है ना भाई, अगर वो वाली कार मिल गई तो हम किसी भी पुलिस वाले को आराम से मार सकते हैं, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर कुछ भी आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो कार है पूरी बुलेट प्रूफ है, तो हमें भाई कार की लोकेशन नहीं पता। सबसे पहले हमें मिलिट्री बेस जाकर उसे ढूंढना भी है और चुराना भी है। अब आपको पता है कि यार नॉर्मल बंदे की मिलिट्री बेस में मतलब कि एंट्रेंस नहीं होती, हम जैसी मिलिट्री बेस के अंदर घुसेंगे भैया हमारी कुटाई शुरू हो जाएगी। बट कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो यार माइकल का पूरा मत्था खराब हो रखा है, तो भाई माइकल जान दे सकता है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ी कार खड़ी है, तो इसी को लेकर चलते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पता नहीं क्या होने वाला भाई, मतलब इतनी ज़्यादा पुलिस होगी ना वहाँ, जाते ही मुंह तोड़ेगी भाई, मेरे को इतना तो कन्फर्म पता है। भाई यूएस के मिलिट्री बेस में जा रहे हैं, मतलब कोई मजाक बात नहीं है, मुंह टूटना ही टूटना है। ओके, तो बाकी तो भाई ये वाली कार भी बहुत सही है, मतलब ज़्यादा कोई खास स्पीड तो है नहीं, बट ठीक कार है, इतनी भी बुरी नहीं है। ओके, तो कॉमेट भी जा रही है पीछे। अब यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले मार्क कर लेता हूँ कि हमारा जो मिलिट्री बेस है यूएस का वो कहाँ पर है। तो देख लो भाई, गूगल मैप्स में भी शो नहीं होता मिलिट्री बेस है कहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अलाउड ही नहीं कर रखा है। तो ये जो मेन रास्ता है यहीं तक दिखाता है, उसके बाद ये जो जितना भी है ना ये मिलिट्री बेस है। इसके अंदर का हमें कुछ भी मैप में शो नहीं होता कि कहाँ पर क्या चीज़ बनी हुई है, बट मेन जो एंट्रेंस है ना वो उसी वाले गेट से है। तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं मिलिट्री बेस में उनके, और देखते हैं वहाँ पर गाड़ी कहाँ पर खड़ी है, कैसी गाड़ी है, कैसे चुराना है, सब कुछ देखेंगे। चलो भाई, क्या पता पहली बार में ही नॉर्मली चोरी हो जाए। तो भाई वैसे यार मेरे को ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये जो कार है ना ये कार उतनी मजबूत नहीं है मेरे हिसाब से, तो 4-5 गोली के अंदर ये गाड़ी फूट जाएगी और वहाँ पर भाई पुलिस ना बहुत ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले तो मेरे को एक ऐसी कार चाहिए होगी ना जो ऊपर से बंद हो, वरना तो भैया पट्टे से हेडशॉट पड़ जाएगा इस कार के अंदर। पर कोई नहीं, सबसे पहले उस एरिया में चलते हैं, वहाँ पर चल के हम अपनी कार बदल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रस्ते में से ही बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएगी, हाईवे पर ही है उनका जो मिलिट्री बेस का रास्ता है। तो भाई साहब व्हीकल का जुगाड़ तो हो गया, जो कि ऊपर से बंद भी है और पूरी क्लोज भी है, और लगे हाथ ना मैंने इसको अपग्रेड भी करवा लिया है। अब जो आप सामने टावर देख पा रहे हो ना राइट में, भाई ये यूएस मिलिट्री बेस का टावर है, और ये लोग ना यहाँ से पूरी निगरानी रखते हैं कि कोई बंदा अटैक तो नहीं करने आ रहा बाय एयर। तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होने वाली है आगे चल के। ओके, तो अभी हम एक टनल के अंदर एंटर हो चुके हैं, और भाई इस टनल के अंदर अपनी कार का साउंड सुनना, वैसे वाली कार भी मेरे को बहुत सही लगती है, बट इस कार की ना लुक उतनी खास नहीं है। स्पीड और इसकी लुक, मतलब स्पीड और साउंड तो काफ़ी अच्छा है, लुक उतनी मेरे को अच्छी नहीं लगती, नॉर्मल पोर्शे ऐसी लुक है इसकी। अबे भैया ट्रक हटा ले यार तू, एकदम ही पूरा रोड घेर के चल रहा है। ओके, कोई नहीं, बस हमें आगे से राइट लेना है और हम आ जाएंगे सीधा मिलिट्री बेस में। अब भाई इतना तो मुझे कन्फर्म बनता है, एंट्री होते ही हमारे यहाँ मुँह तोड़ने वाले हैं लोग। तो भाई मैं अपनी गाड़ी की स्पीड नहीं कम करने वाला, क्योंकि मुझे पता है स्पीड कम हुई तो ये लोग भाई सीधा बंदूक के बजूका उजूका सब चलने वाले यहाँ पर। ओए भाई भाई मैं पहले ही ठुक गया, अच्छा हुआ पहले ही ठुक गया, अंदर जाके ठुकता ज़्यादा दिक्कत हो जाती। ओ भाई लग गए चार केस, लग गए, जाना कहाँ से है, एंटर तो हो गए हम फिलहाल। ओ भाई भाई साहब, भाई फ्रैंकलिन तभी तो हमें भेज रहा है। ओ भाई साहब ये क्या था भाई, इतना गंदा तो किसी ने नहीं मारा भाई आज तक। वे गंजे ये क्या हो गया हमारे साथ, बता मेरे को, भैंस की टांग में मिलिट्री बेस में, रुक जा बात तो सुन ले, मिलिट्री बेस में गया था भाई, एक ए, एक गोली में मारा यार, समझ नहीं रहा तू, फिर तेरी भैंस की टांग, तू पिटेगा, मैं थोड़ा कहीं गुस्सा तो निकालू तेरी भैंस की। भाई इतना गंदा कौन मारता है यार, यार फ्रैंकलिन बिना भाई साहब कैसे कैसे काम दे रहा है यार, क्या करा जाए भाई, समझ ही नहीं आ रहा है। तो यार मेरे दिमाग में ना एक और तगड़ा आइडिया आ गया कि हम मिलिट्री बेस के अंदर ना बाय एयर एंटर कर देखते हैं, क्योंकि बाय ग्राउंड इतनी सुपर कार बुलेट प्रूफ कार लेकर गए और भाई साहब फोड़ दिया। तो ग्राउंड से तो भूल जाऊँ, ग्राउंड से नहीं जा सकते, तो क्या पता बाय एयर से जा पाए। तो चले, और अभी मेरे को उसके लिए चाहिए रहेगा हेलीकॉप्टर, क्योंकि प्लेन तो हमारे बस की नहीं, इतना पैसा नहीं है अभी, तो यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर चाहिए होगा, तो हेलीकॉप्टर जो हमें अपनी वाली सिटी में मिलेगा, तो पहले चलते अपनी सिटी में। तो ओके गाइस, अभी मैं दोबारा से वापस आ गया था अपनी सिटी में हेलीकॉप्टर को लेने, क्योंकि यहाँ पर ना एक ये जो मतलब कि डेली ग्लोबल इंटरनेशनल करके कोई कंपनी है, तो भाई इनके पास ना हमेशा हेलीकॉप्टर होता ही होता है, पता नहीं शायद ना न्यूज़ चैनल वालों का या फिर जो भी है,
बट यहाँ पर हेलीकॉप्टर में मिल जाता है, तो मेन अभी हमें हेलीकॉप्टर से मतलब है, क्योंकि यार बाय ग्राउंड तो हमारे बस की नहीं है, तो बाय एयर ही चलकर देखते हैं। क्या पता भाई बाय एयर उनकी सिक्योरिटी जो है कम टाइट हो और हम जल्दी से जाकर वहाँ पर, वैसे हेलीकॉप्टर जब मैं लैंड कराऊंगा तब तो यार वो लोग मेरे को मार ही देंगे, लेकिन यार चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। मेरे को भी यार थोड़े बहुत ढंग के वेपन चाहिए होंगे यार, बाकी तो यार लैम्बोर्गिनी होती ना तो शायद कुछ हो जाता, क्योंकि यार लैम्बोर्गिनी बहुत तगड़ी बुलेट प्रूफ कार है। ओके, तो हेलीकॉप्टर जो है सामने खड़ा हुआ, और इस बार तो भाई बहुत महंगा हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया इन्होंने। अच्छा जी, मैं सस्ता वाला तुम्हारा हेलीकॉप्टर चुरा कर ले गया तो तुमने और महंगा खरीद लिया, भाई इनका बजट तो बहुत तगड़ा है भाई। चलो जो भी है, मेन अभी हमें हेलीकॉप्टर से मतलब है, तो यहाँ पर हम इनका हेलीकॉप्टर लेकर निकल लेते हैं फटाफट से। भाई साहब इस बार तो बहुत सही हेलीकॉप्टर है यार, और ये मेरे को लग रहा है भाई सुपर फास्ट भी होगा। ओ भाई इसका तो साउंड ही अलग है भाई एकदम। ओके नाइस यार, ये दिल छू लिया भाई, मैं इस हेलीकॉप्टर को वापस यहीं लाके खड़ा करूँगा, टेंशन मत करो। ये भाई साहब इन्होंने आज मेरे लिए दिल छू दिया भाई, इन्होंने मेरा काम एकदम आसान कर दिया, और ये हेलीकॉप्टर की स्पीड भी ठीक ठाक है अभी तो फिलहाल, इतने कम टाइम में इसने 100 पकड़ लिया है, तो भाई बहुत सही है। अभी चलते हैं फटाफट मिलिट्री बेस में, लेफ्ट की साइड में है तो चलते हैं पहले वहाँ पे। तो भाई हम इस हेलीकॉप्टर का बहुत तेज भगा कर लाए हैं, और जो मिलिट्री बेस है ना हमारी आंखों के सामने ही है। अब यहाँ पर मुझे चेक करना है कि यार मेरे पीछे बस अब पुलिस ना पड़े, क्योंकि मैं अभी तो काफ़ी ऊपर हूँ, शायद मेरे को कुछ नहीं कहेंगे। तो अभी इस हेलीकॉप्टर को लेकर यार नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो यार अब बारी है भाई इस हेलीकॉप्टर को लैंड कराने की, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे हेलीकॉप्टर कहाँ पर लैंड कराना चाहिए, क्योंकि यार मैं जैसे ही जमीन पर जाऊँगा ना इनकी एयर की सिक्योरिटी भाई। ओ भाई ओ बे ये क्या करा, ओ भाई साहब ये क्या सीन है। भाई साहब ओ भाई मारो मुझे मारो, ओ भाई साहब फिर से मार दिया इन्होंने, वो भी इतना जबरदस्त यार। अब क्या करा जाए यार, मतलब कि यार ये तो ना देखते हैं आर ना पार, बंदा खत्म एक सेकंड के अंदर। भाई क्या किया जाए यार, यहाँ से तो भाई जाना ही बहुत मुश्किल है। तो ओके गाइस, इस काम के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ जेनेट्रोनो, क्योंकि ये वाली जो कार है ना यार बहुत ज़्यादा फास्ट है, और इस कार को मैंने इस टाइम पूरा बुलेट प्रूफ करवा लिया, पूरा अपग्रेड करवा लिया है, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि अब इस मिशन के अंदर और भी कोई गड़बड़ हो। और भाई साहब ये कार जो है ना बहुत तगड़ी है, देखने में तो लैम्बोर्गिनी ऐसे लुक है, और बाकी स्पीड भी बहुत तगड़ी है। तो फटाफट इस कार को लेकर चलते हैं पहले मिलिट्री बेस में, और इस बार जो है ना मैंने प्लान बनाया थोड़ा अलग रास्ते से एंटर होने का और सीधा कार चुरा लेने का। तो बस देखते जाओ इस बार हम कितनी ज़्यादा खतरनाक तबाही करने वाले हैं। भाई इस कार की कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है, बस ये वहाँ पर जाकर ना ठुक जाए, यहाँ तो बहुत तगड़ी चल रही है, अगर वहाँ पर जाकर ठुकी ना तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी यार ये वाली कार भी ना बहुत तगड़ी है, मतलब इसके अंदर वो वाली बातचीत आती है जो हमारी लैम्बोर्गिनी के अंदर आती है, इसके अंदर भी सेम टू सेम वैसी बातचीत आती है भाई, चलाने में भी वही मज़ा आता है, साउंड भी वैसा ही है। तो भाई बहुत तगड़ी कार है, तो सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं मिलिट्री बेस में और देखते हैं भाई क्या सीन है, क्या करना है। तो ओके गाइस, अभी हम आ चुके हैं उस वाले रोड पर, और आप देख पा रहे हो ना भाई इस बार नहीं छोड़ने वाला, इस बार तो कार पूरी बुलेट प्रूफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ बेटा, किसके अंदर दम है हमारे को रोकने का, आओ तुम्हारी भैंस के डांग, इतनी तेज भागूंगा ना पता भी नहीं चलेगा। आ जा आ जा, जा बेटा लड़ ले लड़ ले, तू मारेगा तो पता चलेगा ना। ओके तो यहाँ पर हमारे, ओ भाई साहब चली चली बच गए, मिस 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 बेटा पक्का निशाना लगाओ। ओके भाई वैसे बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है, कार को पूरा बुलेट प्रूफ करवा लिया, लेकिन वो जो गाड़ी हमें कहाँ पर मिलेगी ये मुझे नहीं पता। बाकी यहाँ पर मैं एक बार ढूंढता हूँ कहाँ पर इन्होंने खड़ी होगी, पूरा चेकआउट करूँगा। बाकी जब तक अपनी गाड़ी स्पीड में चलेगी ना ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और अगर एक बारी मेरे को इनकी वाली जो व्हीकल है जिसे हमें फ्रैंकलिन ने लेने के लिए भेजा है वो मिल गया ना भाई तो अपने मजे हैं। ओके तो यार यहाँ पर तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा यार, वैसा कहाँ पर जाना है। ओके तो शायद ये खड़ा, नहीं नहीं ये भी नहीं है। तो यार वो जो व्हीकल है मेरे को मिल नहीं रहा है, बट फ्रैंकलिन ने इतना बताया था कि वो जो व्हीकल है ना वो बहुत यूनिक है और उसके ऊपर एक वेपन लगा हुआ है। देखते हैं यार वो कौन सा व्हीकल है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल सारे आर्मी वाले बहुत तगड़े हैं। तो यहाँ पर तो भैया मेरे को भी इनको थोड़ी बहुत गोलियाँ मारनी पड़ेगी, वरना तो ये लोग मेरी हेकड़ी बार कर देंगे। और बाकी जितने भी पैंजर हैं ना जो लोग तोप मारते हैं वो लोग अब मेरा पीछा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेटा अपनी कार बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें तुम्हारी भैंस की टांग, ओ ओ ओ नहीं 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 बच गए। ओके तो यहाँ पर जो वेयर हाउस है इसके अंदर शायद व्हीकल खड़े होते हैं। आ जा बेटा आ जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओ भाई पड़ रही है बहुत गलत। ओके तो इसके अंदर तो नहीं खड़ी, यहाँ पर एक और है। ओके तो इसके अंदर भी कुछ नहीं खड़ा, लेफ्ट में भी बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं, इसके अंदर भी नहीं है। इधर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है और अंदर, ओ भाई ये रही यही 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 तुम्हारी भैंस की टांग। बस 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 यही दोनों थे हमें यहाँ पर मारने वाले। ओके तो हमें इस व्हीकल के अंदर एंटर होना, भाई साहब ये तो बहुत तगड़ी है। तो क्या इसके अंदर हम एंटर हो चुके हैं, और ये इसका ऊपर वाला गेट क्यों नहीं बंद हो रहा भाई, भाई क्या स्पीड है इसकी। ओके तो इसके ऊपर जो वेपन लगा हुआ है इससे गोलियाँ मारते हैं बंदों के, रुक जाओ। अब आओ बेटा, कौन चोड़ा हो रहा था, अब आओ तुम्हारे को मैं बताता हूँ, तुम्हारा ही व्हीकल से तुम्हें ही मारूंगा।
ओ भाई कितनी पावरफुल है ये। ओ भाई साहब मैं इसको लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ वरना सीन हो जाएगा। एक बारी प्लेन फोड़ते हैं, प्लेन को फोड़ कर देखते हैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, ये भाई फ्रैंकलिन को नहीं देंगे, खुद ही रखेंगे। लेकिन यार अपने को लैम्बोर्गिनी भी तो चाहिए। तुम्हारी भैंस की टंग, तुम ही मार रहे थे ना पिछली बार। ये वैसे अभी भी मार देगा भाई, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ओ पड़ी, आँख लगी। नहीं 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 नहीं, आँख लग गया भाई, आँख लग गया। मेरे को भागना पड़ेगा भाई वरना गड़बड़ जाएगी। इसके अंदर आँख लग चुकी है, बस ये फूटे ना, प्लीज़ 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 भाई अभी मत फूटियो। ओके तो यार सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा वरना यार ये लोग ना पूरी व्हीकल को जला देंगे। मतलब ये जो अपनी गाड़ी है, इस गाड़ी का नाम नहीं पता बट जो भी है भाई आर्मी वाले इसको रख रहे थे भाई। मतलब यार ये लोग अगर इस व्हीकल को आर्मी में यूज़ करेंगे तो यार ये तो किसी को भी मार देंगे भाई साहब। जो भी है बहुत तगड़ा व्हीकल है। वैसे इनके पास ऐसे व्हीकल और भी होंगे क्योंकि यार एक थोड़ी मंगाते हैं। यार बाहर का रास्ता कहाँ है? मेरे को बाहर का रास्ता बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा यार कहाँ से था। बाकी तो यहाँ से भी होता है बाहर का रास्ता जहाँ तक मुझे याद है। ओके ओके यहीं से है वैसे बाहर का रास्ता, वहाँ से नहीं है। बेटा तू मार ले, तेरे को मैं बताता हूँ। बेटा एक गोली की जान नहीं है तेरे अंदर। ओके तो फिलहाल हम यहाँ से अपनी व्हीकल को लेकर एग्जिट हो चुके हैं और पीछे हमारे हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं, सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। ओके तो बेटा हट जाओ यार, बहुत पावरफुल है ये। एक टक्कर पड़ेगी ना इनके, ये लोग एक किलोमीटर झाके गिरेंगे। इतनी खतरनाक व्हीकल है ये। मेरे को तो लग रहा है यार कर्फ्यू लग जाएगा यहाँ पर, जितनी पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है ना पूरा कर्फ्यू लगेगा। तो यहाँ पर इसको लेकर निकल लेता सबसे पहले अपने घर पर। यार ये बहुत खतरनाक व्हीकल है, मुझे उम्मीद नहीं थी यार इतना तगड़ा व्हीकल होगा। तो यार बहुत सारी पुलिस आ रही है सामने से, मेरे को लग रहा है ना मुझे फायर करते रहना चाहिए ताकि बंदे जैसे आए उन्हें वैसे ही पड़े। तुम्हारी भैंस की टंग, कोई नहीं आना चाहिए सामने से, हटो सालो। तो भाई पुलिस वालों की जो सबसे खतरनाक गाड़ी थी वो भाई मैंने ही चुरा ली है। अब यहाँ पर इनका मैं जीना हराम कर दूंगा, इनकी सारे बंदे सारे गाड़ियाँ ऐसी फोड़ते हो जाऊँगा मैं अपने घर पर। और हम पहुँचने भी वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, सबको फोड़ दूंगा भाई। तुम जाम लगाओगे ना बेटा, LSPD आज तुम नहीं टिकने वाले। क्योंकि जो तुम्हारा सबसे पावरफुल था, मतलब जो इनका सबसे पावरफुल व्हीकल था, पावरफुल गाड़ी थी भाई, वो हमारे हाथ में। और लुक देखो भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ है। वरना अभी तक फूट जाती, जब पहले आग लगी थी ना इसके अंदर तभी फूट जाती, बट ये बुलेट प्रूफ है। आजा बेटा आजा 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 आजा, हटा इसको। ओ भाई ये ट्रक बहुत हैवी है भाई, बहुत हैवी ट्रक है। मेरे को यहाँ से दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा क्या? ओ पीछे से भी आ गए। आजा आजा कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं साइड से निकाल लेता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रास्ता सही बताने के लिए। ओके तो वैसे हम अपने घर पहुँचने जा रहे हैं और मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों रखा हूँ भाई? ये लोग मेरे को भी छोड़ने नहीं वाले हैं, इनका भाई साहब मेन व्हीकल है ये। ओ शिट, ओ भाई अब हो रही है दिक्कत, अब मेरे को भाई मारना ही पड़ेगा इन्हें। तुम अब पिटे भाई, अब गोलियां चलेगी दबा के, जो भी आएगा वो पिटेगा। अनलिमिटेड गोलियां इसके अंदर, तेरी भैंस की टांग। ओके तो भाई साहब माइकल के घर के लिए हमें बस यहाँ से राइट लेना है। और यहाँ पर यार करा क्या जाए, मेरे को मरना नहीं है, कुछ भी हो जाए मेरे को मरना नहीं है पुलिस वालों से। ओके तो यार फाइनली अभी हम माइकल के घर पर जो है पहुंचने वाले हैं। और भाई हेलीकॉप्टर वगैरह मिलिट्री बेस से हमारा पीछा कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां आ रखी हैं भाई, बहुत खतरनाक है इनकी यार पुलिस। मतलब भाई साहब कितनी तगड़ी गाड़ी है। और यार मेरे गैराज में तो जगह भी नहीं है, तो मैं इसे गैराज में कैसे खड़ा करूँगा? गैराज में तो बुगाटी लगी हुई थी, तो इसको मैं बुगाटी के साइड में ही लगा देता हूँ अभी, क्योंकि भाई अभी हमें जाए तैसे बस सेव करना है। तो मैं अपना घर के अंदर निकल लेता हूँ। चल 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 भाई माइकल चल ले वरना पुलिस आ जाएगी अंदर। वैसे अब हमारी गाड़ी तो सेव हो गया, मैं पुलिस को अंदर नहीं आने दूंगा। रुक जो बम लगा देता हूँ गेट पे। तुम बेटा अभी भी नहीं सुनोगे ना, मैं मार दूंगा कसम से। ओए नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई अच्छी गंजी होगी भाई। घर के अंदर क्यों आ रहे हो तुम? तेरी भैंस की टांग, तेरे को समझ नहीं आ रही? चलो भाई अब मैं किसी को अंदर ही नहीं आने। ओ फिर उठेगा तू, चल अंदर। मैं अंदर ही नहीं आने दूंगा किसी को इस बार भैया। माइकल फुल खुंदक में, जिसके अंदर था मैं भैया मार के दिखा दो। ओके तो यार इनके पास तो यार बहुत ज्यादा फोर्स है यार, ये लोग नहीं छोड़ने वाले। ओके तो यार इन्होंने भाई बहुत ही बुरी तरह मेरे को चारों साइड से घेर। ओबे पीछे से भी आ गए। चलो कोई बात नहीं, अपनी जो व्हीकल थी वो सेव हो चुकी है भाई साहब, ये सबसे अच्छी बात है अपने लिए। हमारी जो गाड़ी थी वो सेव हो गई है और कुछ भी नहीं चाहिए भाई। अब यहाँ पर जो है फ्रैंकलिन हमें हमारी जो लैम्बोर्गिनी है वो वापस कर देगा। लेकिन यार इसके लिए भाई माइकल को दो दो बार मरना पड़ेगा, इतने ज़्यादा पैसों का भी नुकसान हो गया यहाँ पर। बाकी तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो भी किसी की भी गाड़ी लेकर घर पर चलते हैं और देखते हैं वो जो व्हीकल है कैसा है। तो भाई साहब यार वो जो गाड़ी लाए हैं ना हम उनकी चुरा कर भाई, वो बहुत ही तगड़ी कार है। पता नहीं कार है ट्रक है जो भी है, बहुत ही अलग सा सीन है। मतलब है वो देखने में मॉन्स्टर ट्रक जैसा लेकिन एक टाइप से कार है।
भाई बहुत तगड़ा है। बाकी उसको लेकर चलते हैं अपने घर पर अभी इस गाड़ी को और देखेंगे वो ट्रक कैसा है। ओके तो यार वो वैसे का वैसा ही लगा हुआ है जैसे हमने लगा दिया था। भाई देख रहे हो मतलब भाई मैंने क्या करा, जल्दी से आए से रखकर अंदर भाग गया और पुलिस वालों ने गैराज चेक ही नहीं करा। ओके तो यहाँ पर मैं इसे बाहर ये बाहर निकल जाएगा ना। ओके भाई साहब बहुत तगड़ा है ये। ओ भाई मेरी सारी गाड़ियाँ टूट गई, बुगाटी बुगाटी सब टूट गई है इस ट्रक के लिए। तो भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हो गाड़ी की लुक यार कितनी जबरदस्त है। अब यहाँ पर अगर आप इस व्हीकल के अंदर एक बार बैठ गए ना तो यार पुलिस वुलिस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना इसके अंदर, कितनी भी बुलेट पड़ जाए भाई से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आग लग गई थी वो भी बुझ गई, मतलब ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाई आग, और जैसे हमने गाड़ी चलाई हवा हवा लगी तो आग भी बुझ गई। और भाई आप लुक देख लो कितनी जबरदस्त है, टायर वायर सब पूरे बुलेट प्रूफ है, मतलब कुछ होने ही नहीं वाला है। और यहाँ पर मैं आपको इसके अंदर का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ कैसा इसका डैशबोर्ड है। ओके तो भाई साहब यहाँ पर देख लो बंदों का फेस वेस भी लगा हुआ है, पता नहीं क्या सीन है इसका। ओके तो ऊपर का भी आप देख लो भाई कितने जबरदस्त यहाँ पर इसके कंट्रोलर्स, इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त है भाई। और अगर मैं इस व्हीकल को बाहर लेकर जाऊँगा ना यार पुलिस मेरे पीछे तुरंत पड़ने वाला है। बस इस व्हीकल को ना जैसे तैसे कर मुझे बस फ्रैंकलिन के पास पहुँचाना है ताकि वो इस गाड़ी को रखे और मुझे मेरी लैम्बोर्गिनी वापस कर दे, क्योंकि भाई उसको इससे मतलब है। तो भाई फ्रैंकलिन ने ना हमें एक बहुत ही सीक्रेट लोकेशन पर बुलाया जहाँ पर यार पुलिस वगैरह का ना बहुत कम खतरा होगा। तो भाई फ्रैंकलिन भी ना वहाँ पर इस व्हीकल को चुपचाप खड़ा कर देगा और कुछ दिनों बाद जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब ये वहाँ से लेकर आएगा। तो अभी से लेकर चलते हैं। और भाई इस गाड़ी को ना देख के यार बहुत सारे लोग ना डर जा रहे हैं, जैसे ये देखो ये देखना अभी। अब पता है क्यों डर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना ये जो गन लगी हुई है ना भाई, ये जैसे ही बंदों के ऊपर एम करता हूँ ना भाई वो डर जाते हैं कि कहीं हमें ना मार दे बंदा। तो यहाँ पर वैसे अच्छी बात है कि किसी पुलिस वाले ने नहीं देखा, बट यार बंदों ने देख लिया हमें यहाँ पर। ओके तो वो जो फ्रैंकलिन है वो कहाँ पर था, उसने यहीं कहीं हमें बुलाया। तो ओके हमारी लैम्बोर्गिनी भी खड़ी हुई सामने ही दिख गई, हट जा भाई। तो फ्रैंकलिन शायद अंदर ही होगा। तो यहाँ पर उसने हमें एक बहुत ही सीक्रेट जगह पर बुलाया। ओके तो ये लोग भी डर गए हैं, आ जा भाई फ्रैंकलिन। ओके तो भाई खुश हो गया वो गाड़ी देख के, और गाड़ी ये छुपाएगा कहाँ पर। ओके तो वो बाद उसकी उसका काम है भाई गाड़ी छुपाना, हमारा काम था भाई गाड़ी ला कर देना। तो यहाँ पर अभी से हम एक बारी बात कर लेते हैं। तो भाई साहब फ्रैंकलिन भी खुश हो गया कि हम उसके लिए जो उसकी गाड़ी है लेकर आ गए हैं। तो भाई चल आ जा भाई, मेरी लैम्बोर्गिनी मुझे वापस दे दिया भाई फ्रैंकलिन ने। इस बार ये नाराज नहीं है वरना पिछली बार की तरह उठा के फेंक देता। आज अभी तेरे को भी तेरे घर पे ड्रॉप कर दूंगा। तो ये शायद गाड़ी जो है थोड़े टाइम पर, ये कहाँ से गिरी, इसको क्या हो गया भाई, ये कहाँ से आगे गिरी। तो ओके गाइस हमने फ्रैंकलिन को उसके घर पर छोड़ दिया और उसने हमारी गाड़ी जो है वापस कर दी। यार फ्रैंकलिन वैसे दिल का अच्छा बंदा है लेकिन यार फिर भी उसे हमारी गाड़ी नहीं चुरानी चाहिए थी, वैसे ही बोल देता यार ये काम मैं दोस्ती के नाते भी कर देता उसके लिए। अब भाई गाड़ी उसने उस लिए चुरा ली ताकि अगर मैं मना ही ना कर पाऊँ, मतलब वो काम करने के लिए मैं मना ही ना कर पाऊँ। अब देखते हैं भाई फ्रैंकलिन उस गाड़ी का क्या यूज़ करता है, वो आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो भाई अभी इस गाड़ी को लेकर चलते अपने घर पर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि यार लैम्बोर्गिनी की नज़रें भैया बहुत बंदों पे, मतलब बंदों की नज़रें लैम्बोर्गिनी पे भैया बहुत ज़्यादा, और कभी भी कोई भी चुरा सकता है। तो इसीलिए मैं इस गाड़ी को ना यार बहुत ज़्यादा सेफ रखूंगा अब से। तो यार वैसे ना पुलिस वालों को भी पता था ये वाली जो गाड़ी है ना बहुत महंगी है, इसलिए उन्होंने इसे जब्त कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था मैं वापस लेने जरूर आऊँगा। और भाई साहब हमारी गाड़ी भी वापस आ गई, फ्रैंकलिन को जो कार चाहिए थी उसे भी वो मिल गई है। अब भाई पता नहीं वो उसका क्या यूज़ करने वाला है, बट जो भी हमारी गाड़ी हमारे घर पर वापस आ गई है, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब बस इसे लेकर पार्क कर देते हैं। और हमारे गैराज में दो दो बुगाटी हो चुकी है, तो एक बुगाटी जो है अभी मेरे को फ्रैंकलिन को वापस भी करनी है। अब फिलहाल शायद उसके गैराज में भी ज़्यादा जगह नहीं बची होगी, तो एक गैराज भी लेना पड़ेगा यार, बहुत सारी कार्स हो गई यार, मतलब इतनी महंगी महंगी इतनी सारी कार्स हो गई हैं। और भाई अंदर हमारी बुगाटी खड़ी है। ओके तो मेरे को पहले बुगाटी को थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा, वरना यार इतनी जगह नहीं है भाई, कितनी तगड़ी तगड़ी कार सोच चुकी है। और सस्ती वाली कार तो बाहर खड़ी करता हूँ ताकि कोई भी चुरा के ले जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो महंगी कार है ना वो अपने घर के अंदर रहनी चाहिए। ओके तो मैं यहाँ पर इसे साइड कर देता हूँ थोड़ा सा, अब यहाँ पर लगा देते हैं अपनी लैम्बोर्गिनी। भाई साहब मतलब कि सोचो इस छोटे से गैराज के अंदर 20 करोड़ का माल है, मतलब कि बुगाटी भी लगभग 10 करोड़ के आस, पता नहीं मेरे को रेट नहीं पता, बट फिर भी ये दोनों गाड़ियाँ यार आराम से यार 10-10 करोड़ की तो होगी विद मॉडिफिकेशन। अबे ये गेट आ रहा है आगे, मेरे को आपको एक बारी सामने से लुक दिखाना है भाई, कितना तगड़ा लुक हो गया होगा। ओके गाइस तो आप दोनों की लुक देख पा रहे हो, भाई मुझे कमेंट में बताना आपको देखने में कौन सी कार ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब यार फ्रैंकलिन को तो यार दोनों ही कार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे कमेंट में बताओ मुझे फ्रैंकलिन को इनमें से कौन सी कार देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, जो भी आपको सही लगे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही भाई, जो भी हो यार जान निकल गई, मिलिट्री बेस में जो कुटाई हुई है ना भाई मतलब बहुत खतरनाक थी। तो अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को अगर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर फॉलो नहीं कराया गया जल्दी जाकर फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।